आगे देखिए, ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का। शिक्षिका पूछती है बच्चों से, छात्रा यूयम किम कुरुथो, बच्चों तुम सब क्या करते हो? यूयम कुरुथो, तुम सब क्या करते हो? व्हाट आर यू डूइंग? स्टूडेंट्स बोलते हैं, आचार्य वयम गच्छामः, मैडम हम सब जाते हैं, वी आर गोइंग। टीचर शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम सब कहाँ जाते हो? छात्र बोलते हैं, वयम सभागारं गच्छामः, हम सब सभा में जाते हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकानि देखिए पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, गृहं गृहे गृहाणि, गृहं गृहे गृहाणि, फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, ये नपुंसक लिंग है। तो तुम सब पुस्तकें कहाँ हैं? छात्र बोलते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, मैडम डोंट वरी, हमारी पुस्तकें यही हैं, अवर बुक्स आर हियर। शिक्षक, छात्रों युवाम किम कुरुथो, दो बच्चों से पूछते हैं, तुम दोनों क्या करते हो? व्हाट आर यू बोथ डूइंग? छात्र, आचार्य वयम श्लोकम गायावः, मैडम जी हम सब श्लोक गा, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक ने पूछा, शोभनम वेरी गुड, बहुत सुंदर, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम सब श्लोक, तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? आर यू बोथ नॉट राइटिंग श्लोकस? छात्रो आवाम लिखावा हो, बच्चों ने कहा, सर आवाम लिखावा हो, हम दोनों श्लोक लिखते हैं, पढ़ावा पढ़ते हैं, गायावा श्लोक गाते भी हैं, चित्राणि प्रचयामा, और चित्रों को भी बनाते हैं। सर वी आर राइटिंग रीडिंग सिंगिंग एंड ड्राइंग द पिक्चर्स आल्सो। सर ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत शोभनम, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसकी मीनिंग देखिए, जो करोसी है, देखिए गच्छति जाता है, एक जन जा रहा है तो गच्छति, ठीक है ना, अगर दो जन जाएंगे तो गच्छतः, बहुत जन जाएंगे तो गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पढ़ता पठन्ति, खादति खाता खादन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, ये रूप चलते हैं लकार में। गच्छसि जाते हो, तुम के साथ प्रयोग होता है, तुम गच्छसि, गच्छामि जाता हूँ, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, गच्छामि तुम जाते हो, तुम गच्छसि, सा गच्छति रामा गच्छति, इसी प्रकार से पठति पठति पढ़ता पढ़न्ति, पठति पढ़ता पढ़त, पठामि पढ़ावा पढ़ावा, एक वचन के साथ सह तौते या किसी के नाम के साथ पठति का प्रयोग होगा, पठसि तुम के साथ प्रयोग होगा, पठामि अहम के साथ प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिए चीज को, अगर इतना याद रहा आपको तो संस्कृत कभी आप कठिन नहीं लगेगी, वेरी इजी लैंग्वेज। ओके थैंक यू, फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।